एसटीवी न्यूज सूरत, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी, सुधाकर, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं क्या प्रधानमंत्री पालम हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ओम प्रकाश, और आप चर्चा सुधाकर, मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का वाहन पहुंच गया है एयरफोर्स टेक्निकल एरिया जो पालम का है, और यहाँ पे विशेष विमान से प्रधानमंत्री जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। जिस तरह से हम जानते हैं कि यात्रा कई मायनों में इसलिए खास है क्योंकि न सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बल्कि क्वाड की ये सिर्फ दूसरी ऐसी बैठक होगी जो इन पर्सन होगी, यानी जो तमाम चारों देशों के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो आपस में उनकी मुलाकात होगी। और प्रधानमंत्री विमान पर सवार होते हुए अपनी 2 दिवसीय यात्रा, जापान की जो यात्रा है उसके लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री, और क्वाड की बैठक इस दौरान होगी और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा बैठकों में भागीदारी करते हैं, तो ये भी इस समय कहा जा रहा है कि 40 घंटे के दौरान प्रधानमंत्री 23 बैठकों में शामिल होंगे। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और उनके जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा, उनके साथ भी मुलाकात होगी। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त टोक्यो के हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री पदार्पण कर रहे हैं, जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, इसके साथ ही साथ अपने जापान के समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ भी वो वार्ता करेंगे, और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी वो बातचीत करेंगे, द्विपक्षीय बैठक करेंगे। तो हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि टोक्यो में है, वहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी अगवानी करते हुए इस वक्त जापानी दल। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टोक्यो से, हनेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे के लिए पहुँच चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की के इस दौरे से और इनकी इस जापान यात्रा से भारत जापान दोस्ती का एक नया पन्ना जुड़ने की उम्मीद की जा रही है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड सम्मेलन में भी भाग लेंगे, और अमेरिका के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा के लिए आज और कल तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको सीधे लिए चल रहे हैं एक बार फिर से टोक्यो जापान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है और ये वो अपने होटल पहुंच चुके हैं, वहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जापान दौरे की शुरुआत हो चुकी है, अब से थोड़ी देर पहले वो जापान की धरती पर उनका पदार्पण हुआ है और उन होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं, जहाँ ये आप देख सकते हैं उनका स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय, देखिए झंडों के साथ में, बाजे गाजे के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए टोक्यो में उनके होटल के पास खड़ा हुआ है।
ये सीधी तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल से देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय जुटा हुआ है, हाथों में झंडे लिए मोदी मोदी के नारे गुंजायमान हो रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय खड़ा हुआ है। सेल्फी लेने का एक जो प्रचलन है आजकल, वो भी तस्वीरों में कैद करना चाहते हैं लोग इन क्षणों को। बेहद महत्वपूर्ण है ये क्षण लोगों के जीवन में। बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं यहाँ होटल में, आप देख सकते हैं चारों तरफ कई कोनों में और कई जगहों पर होटल में जो भारतीय समुदाय के लोग हैं खड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री भी उन सब के पास जाकर उनकी हसरत को पूरा करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए, सब प्रधानमंत्री को छू लेना चाहते हैं, उनका सामीप्य चाहते हैं, उनके पास आना चाहते हैं। तो बेहद भव्य, बड़ी ज़बरदस्त स्वागत भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया है, और उनके होटल से ये तस्वीरें हम देख रहे हैं। सबसे ख़ास बात है कि ये जो संख्या है भारतीयों की, वो भी बहुत बड़ी है, और होटल के तमाम जगहों पर, उसके आसपास से लेकर के अगर कहा जाए कि तमाम कोनों और तमाम हिस्सों में होटल के भारतीय समुदाय मौजूद है, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या स्त्री, क्या पुरुष, सभी लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने तमाम बच्चों से इस दौरान बातचीत की, और अब देख सकते हैं कि किस तरह से वो उनको ऑटोग्राफ दे रहे हैं, उनकी तस्वीरें जो बच्चे लेकर के आए हैं उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तमाम सारे लोग इस लम्हे को अपनी कैमरे में कैद करना चाहते हैं, और सेल्फी लेने का जो एक प्रचलन है आजकल, वो भी देखा जा सकता है कि लोग सेल्फी लेने में प्रधानमंत्री के साथ में जुटे हुए हैं। भारतीय झंडे के नीचे इस वक्त जो एक बच्चा लेकर के आया है, प्रधानमंत्री ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए और उसकी उम्मीदों को पूरा किया। बच्चों के सर पर स्नेह के साथ में आशीर्वाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे संवाद करते हुए, हल्के फुल्के बातचीत करते हुए। बच्चे तस्वीरें बनाकर लाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तमाम तरह की प्रधानमंत्री की तस्वीर भी उकेरी है इसमें, एक पोर्ट्रेट सा भी दिख रहा है प्रधानमंत्री का इस तस्वीर में। जो बच्चा लेकर आया है उस पर प्रधानमंत्री ने अपना हस्ताक्षर किए। स्वागत तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। जिस उत्साह से, जिस
उमंग के साथ में भारतीय समुदाय अपने नेता का समर्थन करने, उनका स्वागत करने के लिए जुटा है। बहुत ऊर्जा देती हैं ये चीज़ें, और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से व्यक्तित्व है, वह ऐसी ही चीज़ों से ऊर्जस्वित होते हैं, लोगों के स्नेह से, प्यार से, उत्साह से उनको ऊर्जा मिलती है। और ये उत्साह उनके दौरे में शुरुआत में ही वो अपने होटल में इस वक्त एंटर कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं, और उसके सामने ही आप देख सकते हैं ये जो पीछे तस्वीरें हैं, कितनी बड़ी संख्या में, कितनी भारी भीड़ यहाँ जुटी है भारतीय समुदाय की। भारत जापान जो संबंध है वो बेहद सुदृढ़ है, जो भारतीय हैं वहाँ पर वो भी बहुत तमाम क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय योगदान है, बहुत संपन्नता में, जापान की संपन्नता में उनका योगदान भी है, और वो सब यहाँ जुटे हैं। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत करने के लिए। इन क्षणों को अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं।